शक्ति में अगला क्वेश्चन अपन देख रहे थे शक्ति पावर टॉपिक का, कि 100 वाट के एक बल्ब को 5 घंटे तक जलाया जाता है तो कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ ये अपन से ऊर्जा पूछ रहा है और संबंध हमें किसमें देखना है, शक्ति में और ऊर्जा में। तो हमें देखिएगा, ये पता है कि शक्ति P बराबर W अपॉन T होता है, और W जो है वो क्या है, कार्य, और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि हम यहां पर ये जो कार्य है इसकी जगह पर ऊर्जा ले सकते हैं। कार्य करने की क्षमता जो है वो ही क्या है, ऊर्जा होती है। पूछ क्या रहा है, ऊर्जा, यानी कि अपन से ये W का मान हमें ये क्या है, कार्य या ऊर्जा बटा T समय। तो यहां पर ये ऊर्जा का मान पूछ रहा है, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इन दोनों को गुणा कर देंगे, शक्ति गुणा समय। शक्ति कितनी दी गई है, ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति दी गई है 100 वाट। शक्ति का मतलब वाट इंटू समय, समय दिया गया है 5 घंटे। अब देखिए इसे हम चाहे तो सेकंड में ले सकते हैं, वो हमें हमारे कई बार ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, अन्यथा हम इसे किलोवाट इंटू घंटे में ले सकते हैं, ठीक है, जो कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, किलोवाट इंटू घंटा। तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया, समय 5 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, ये 500 वाट इंटू घंटा। हम इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको 1000 से भाग देंगे, तो आ जाएगा ये 0.5, ठीक है, 0.5 किलोवाट आवर। ये इसका आंसर इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हमें शक्ति दी गई है तो ऊर्जा पूछ सकता है, ऊर्जा या कार्य एक ही बात है यहां पर, क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो है वो ही ऊर्जा कहलाती है। ये ऐसे पूछ सकता है कि उस बल्ब द्वारा किए गए कार्य ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए भी इसी प्रकार से हमें ऊर्जा की जगह कार्य रख करके करना है। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा क्षितिज से 60 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है, घोड़े द्वारा वह शक्ति की गणना कीजिए। तो देखिएगा, हमें पता है कि शक्ति जो है P इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन T, यानी कि कार्य बटा समय। यहां पर कहीं प्रश्न में कार्य नहीं दिया गया है, तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, M, W बराबर F इंटू S, और यहां पर ये जो F है, यहां हमें इसमें अगर कोण दिया गया है तो cos थीटा और इंटू S लेते हैं, ठीक है। तो यहां W का मान F बल और गुणा विस्थापन, यदि कोण दिया गया तो उस कोण का मान लेंगे। तो पहले हम W जो है W निकालते हैं, यानी कि कार्य ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हमें पता है कि बल जो है F 23 न्यूटन है, कोस थीटा, देखिएगा कोई घोड़ा गाड़ी से गाड़ी को खींच रहा है, इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है और यहां घोड़ा, इसको ये कोई घोड़ा है, ये इसे इस रस्सी से खींच रहा है, तो विस्थापन आगे की ओर होगा, और ये जो गाड़ी से बंधी हुई है, यहां ये जो कोण है ये 60 डिग्री है, यानी कि घोड़े के और गाड़ी के विस्थापन, घोड़ा खींच रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहां जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है। तो यहां हमें 60 डिग्री जो कोस 60 का जो मान है वो 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, ये याद करना पड़ेगा हमें, जो त्रिकोणमिति की जो टेबल है, सारणी है, उस सारणी से अपन इसको याद कर लेंगे। फिर यहां एस विस्थापन, यानी कि एस हमें यहां विस्थापन ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, तो
तो पर्सन में कहीं पर भी दूरी नहीं दी गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी यहां पर्सन में दिया क्या गया है, चाल दी गई है, यह चाल है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, यहां लिख लेते हैं इसको, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां दूरी दी गई है किलोमीटर में, समय दिया गया है आवर घंटे में, जबकि हम जानते हैं कि फिजिक्स में या विज्ञान में अपने जो आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो उसकी चाल की जो अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस 7.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 7.2 को हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसी प्रकार से 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको यहां दशमलव हटा दिया, तो ये यहां इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या बच गई। तो हम इसको हल करते हैं, तो कितना हो गया, 6 × 6 36, 36 और 36 दूनी 72, यानी कि 2 आ गया। चाल कितने की अपनी, 2 मीटर पर सेकंड, ये चाल आ गई। अब हमारे पास चाल जो है वो इस फार्मूले में कहीं काम नहीं आनी है, तो हमें निकालना क्या है, हमें दूरी निकालनी है, विस्थापन। तो हमें ये s जो है दूरी, ये कैसे निकालेंगे, दूरी देखिए, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो अभी अपने चाल याद की थी 2 मीटर पर सेकंड और समय, अब देखिए समय इसमें लिखा है कि 1 मिनट तक खींचता है, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा समय, 60 सेकंड। तो यहां हो गया 120 मीटर। 120 मीटर क्या है, दूरी या विस्थापन। तो हमने यहां पर दूरी या विस्थापन पे 120 यहां अप्लाई कर दिया। अब W का मान आ जाएगा, यानी कि इसने जो कार्य किया उसका मान आ जाएगा। तो यहां इसको अपन हल करते हैं, तो हो गया 60, यानी कि ये 1800 जूल, कितना हुआ, 1800 जूल हो गया। ये तो अभी कार्य का मान आया है, कार्य का मात्रक जूल है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, P बराबर W का मान रखा 1800, T टाइम, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। इसको अपन हल करते हैं, तो P बराबर 30 वाट, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है उनके अंदर हमें ये ध्यान रखने वाली बात, खास बात ये है कि हमें W का मान सीधा नहीं दिया गया है, कार्य का मान सीधा नहीं दिया गया। हम जानते हैं कि कार्य जो है वो बल गुणा विस्थापन होता है, तो हमने यहां बल दिया गया है और विस्थापन जो है उसको अपने निकाल लिया, चाल बराबर दूरी बटा समय के मात्रक से। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर, यानी कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वाले एक विद्युत बल्ब की पावर ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, पावर यानी कि शक्ति। हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T, परंतु यहां बात कर रहा है विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति के लिए हमें पहले थोड़ा सा इस वोल्टेज जो मात्रक है वो विभव का मात्रक है, वोल्ट या वोल्टेज, वोल्ट विभव या विभांतर का मात्रक है, और विभव या विभांतर किसे कहते हैं पहले पर थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। विभव विभांतर का मतलब यह है कि कोई एक धनावेशित कण है, एक कूलाम आवेश का किसी धनावेशित कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो उसका विभांतर कहलाता है, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक। बिंदु ए मान लीजिए, यहां एक कूलाम धनावेश है, इसको बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया, यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया गया है एक कूलाम धनावेश को, उसे अपन विद्युत
विभांतर कहते हैं। और जब अनंत बिंदु से किसी धनावेश एकांक धनावेश गुलाम को अनंत बिंदु से लाया जाता है तो उसे विभव कहते हैं। यानी कि विभव और विभांतर में इतना अंतर है, विभव तो दोनों बिंदुओं के बीच जो है वो निश्चित दूरी होती है, और जबकि विभव जो है वो अनंत से लाते हैं। ये विभांतर है जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित है उसे अपन विभांतर कहते हैं, और जब बिंदु एक बिंदु को अनंत पर है तो उसे विद्युत विभव कहेंगे। दोनों का मात्रक वोल्टी है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यानी कि मान लीजिए ए बिंदु से और इसको बी बिंदु तक लाया गया तो जो कार्य किया गया है, ठीक है, और ये कूलाम आवेश, तो यहां पर ये जो अंतर है ये क्या हो गया, इसका विभांतर, दोनों का अंतर विभांतर, तो W अपॉन क्यू। तो यहां कार्य जो है वो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W इज टू V इंटू क्यू, यानी कि यहां पर जो कार्य है उस कार्य का मतलब है विभांतर इंटू कूलाम आवेश, ठीक है। तो हमने यहां से पहले इसका मान निकाल लिया, तो क्या रखेंगे यहां पर, P इज टू W की जगह वी क्यू अपॉन टी। आप देखिएगा हम यहां पर प्रश्न में क्या दिया गया है, एक तो V का मान दिया गया है, V का मान, दूसरा धारा दी गई है, तो धारा तो कहीं फार्मूले में नहीं है, तो हम धारा, हम सब जानते हैं कि धारा जो है वो क्या होती है, I is equal to Q upon T, ठीक है। तो यहां पर ये Q upon जो T है इसकी जगह पर I रख देंगे, V into I, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 240 इंटू आई का मान कितना है 0.6, तो पी बराबर हो जाएगा 144 वाट। यानी कि अपने जब इसको 240 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 वाट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपन विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमें यहां पर ये फार्मूला जो है इसके स्थान पर हमें ये फार्मूला यानी कि इस सूत्र को काम में लेना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न हम इस फार्मूले से हल करेंगे। धन्यवाद।